हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू मॉम चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज की जो रेसिपी है वो हेल्दी के साथ साथ में टेस्टी भी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने 1.5 किलो के आसपास गाजर लिया, उसको इस तरह छील लिया है और ये सीजनल गाजर है, हमें यही गाजर यूज़ करना है हलवे के लिए। मैंने इस तरह बारीक टुकड़ों में काट लिया इसको, रफली इस तरह बारीक टुकड़ों में आप इसे काट लीजिए। मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है और उसमें अब थोड़ा थोड़ा गाजर डाल के उसको ग्राइंड करेंगे। इम्पॉर्टेंट टिप, हमें गाजर को पल्स मोड पे चलाना है, हमें इसको एकदम ग्राइंड नहीं करना है। तो 2-3 बार आप इसको पल्स मोड पे चलाइए। अब इसको हमने ग्राइंड कर लिया, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, जिस तरह एकदम हमने इसको बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा थोड़ा मोटा रखा है। तो हमें जनरली गाजर हम लोग किस के बनाते हैं, पर ये प्रोसेस काफ़ी जल्दी और इजी प्रोसेस है। तो इस तरह मैंने सारे गाजर को ग्राइंड कर लिया है, पर मैंने थोड़ा ज़्यादा बारीक पीस ग्राइंड किया है, क्योंकि हम 1 साल के बच्चे को भी ये दे सकते हैं हलवा, इस वजह से मैंने इतना किया है। आप चाहे तो इससे और भी मोटा रख सकते हैं। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें मैं 2 बड़े टीस्पून घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो कम घी में भी इसे सेक भून सकते हैं। अगर आप डाइट पे हैं और आप बड़ों के लिए हलवा बना रहे हैं, मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा घी का यूज़ ज़्यादा कर रही हूँ। आप कम घी में भी इसे अच्छा से भून सकते। अब इसमें हमने जो ग्राइंड करके गाजर रखा है वो इसमें ऐड कर लेते हैं। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको कवर करके 5 से 7 मिनट तक हमको इसे भूनना है। जब तक हमारा गाजर भून रहा है, तब तक हम थोड़े से काजू लेके इस तरह ड्राई फ्रूट किसनी आती है उससे हम इसको ग्रेट कर लेंगे। अब आप चाहे तो काजू के छोटे छोटे टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं छोटे बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैं इसके इस तरह इसको ग्रेट कर ले रही हूँ। अगर आप इस तरह प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें ड्राई फ्रूट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या चाहे तो इस तरह ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। अब एक बार हमारी गाजर चेक कर लेते हैं कि अच्छे से भुना या नहीं है। आप देख सकते हैं पहले से है सॉफ्ट हो चुका है, पर फिर भी हम थोड़ा इसको और भुनेंगे। फिर से इसको हम कवर करके 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अभी अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं मिल्क। जैसे ये 1.5 किलो गाजर है, उसके हिसाब से मैं 0.5 लीटर इसमें दूध यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं और एक दूसरा भी इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने वाली हूँ। आप चाहे तो, क्योंकि जनरली हम 1 किलो गाजर का हलवा बनाते हैं तो हम 0.5 लीटर दूध यूज़ करते हैं, पर मैं ये 1.5 लीटर के आसपास गाजर है तो आप ज़्यादा दूध यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसमें 0.5 लीटर दूध का यूज़ कर रही हूँ। एक बाउल भर के डालेंगे, ये 0.5 लीटर से कम है, और भी इसमें हम थोड़ा दूध ऐड करने वाले हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध के साथ में। हमको 2-3 बार इसको अच्छे से घुमा के पूरा मिल्क अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है।
अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक साथ हमें पूरा दूध ऐड नहीं करना है, पहले थोड़ा दूध ऐड करके मिक्स कीजिए, फिर से अब इसमें हम थोड़ा बचा हुआ मिल्क ऐड कर लेते हैं। और ये मिल्क ऐड करने के बाद फिर से इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर लेते हैं। मिल्क को अच्छे से इसमें मिक्स करने के बाद पूरी तरह हमको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से दो बार आप दो तीन बार इसको चला के अच्छे से पूरा मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद इसको कवर करके हमें 10 से 15 मिनट तक इसको पकाना है। उसके बीच में भी आपको बीच बीच में इसको चेक करना है। ये जो हम सारी प्रोसेस कर रहे हैं इसको हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे से नहीं पकाना है। अब एक बार ये अच्छे से पक गया तो एक बार हम फिर से इसको मिक्स करके फिर से पकाने के लिए छोड़ देंगे। फिर से एक बार इसे चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं पहले से गाजर की क्वांटिटी काफ़ी कम हो चुकी है और हमारा दूध है वो भी काफ़ी रड़ चुका है इसके अंदर। तो इस स्टेज पे हम इसमें अब ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। ये घर की फ्रेश क्रीम है, आप चाहे तो रेडीमेड फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं जो घर में दूध के ऊपर की जो मलाई निकलती है वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और थोड़ी सी मलाई को आप फेंट लीजिएगा स्पून से, थोड़ा हल्के हाथों से इसको अच्छे से फेंट के इसमें ऐड करना है। और जब ये हम ऐड कर रहे हैं मलाई तो हमें गैस का फ्लेम कम ही रख के इसको ऐड करना है और धीरे धीरे इसको चला के पूरी तरह इसमें अच्छे से मिक्स करना है। जब तक ये मलाई इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक इसको चला के अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि मलाई अगर आप अच्छे से इसमें मिक्स नहीं करेंगे और गर्म गर्म एकदम और हाई फ्लेम में इसको ऐड करेंगे तो दूध ऐसे फटाफटा जैसे इसमें मलाई जैसे फटेफटे जैसे लगेंगी, या दूध भी आप जब इसमें ऐड कर रहे तो फ्लेम कम रख के ही इसमें ऐड कीजिए। और दूध को एक बार हो सके तो पका लीजिए। जब भी इसमें आप दूध ऐड कर रहे हैं तो कच्चा दूध ऐड करने से अच्छा इसमें पका के आप दूध को ऐड कीजिए। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको हम कवर करके पकाएंगे। आपने काफ़ी बार देखा होगा इसमें काफ़ी लोग मिल्क मेड भी यूज़ करते हैं या कोई खवे से बनाता है, पर आप ट्रस्ट में आप इसको सिर्फ दूध और इसमें एक क्रीम ऐड करके आप बनाइए, बच्चों के लिए भी हेल्दी है, बड़ों के लिए भी हेल्दी है और काफ़ी अच्छा टेस्ट रहता है। जैसे हम खवा या खवा ऐड करके बनाते हैं उस तरह इस हलवे का टेस्ट आता है। तो आप इस तरह ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। आपको यह हलवा काफ़ी बारीक लग रहा होगा, बारीक टाइप एकदम सॉफ्ट लग रहा होगा, क्योंकि ये हलवा आप 1 साल के बच्चे के नीचे के यानी 7-8 महीने के बच्चे को भी आराम से खिला सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा ज़्यादा इसको ग्रेट किया है। आप चाहे तो अगर बड़े को लिए बना रहे हैं तो जो मैंने मिक्सी में इसको पल्स मोड पे घुमाया तो आप मोटा मोटा दरदरा रख के भी रख सकते हैं। जैसे हम क्योंकि जनरली गाजर का हलवा ऑथेंटिक इससे जैसे हम बनाते तो हम लोग इसको ग्रेट करते हैं, मोटा मोटा जो किसनी होती है उससे अच्छा ग्रेट करते हैं। पर मैंने ये प्रोसेस काफ़ी जल्दी भी है और छोटे बच्चों के लिए भी अगर हमें बनाना है 7-8 महीने के बच्चे के लिए तो इस तरह आप बनाएंगे तो थोड़ा सा ये बारीक है, पर खाने में जो इसका टेस्ट है एज यूजुअल जिस तरह हम जो गाजर का हलवा बनाते हैं सेम वही टेस्ट रहता है। आप देख सकते हैं दूध और मलाई काफ़ी हद तक इसमें रड़ चुका है। आप इसको जितना ज़्यादा इसमें रड़ाएंगे उतना ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आता है, तो इसलिए धीमे आंच पे थोड़ा पकने दिए। थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा पकने को टाइम लगेगा, पर जो दूध और मलाई इसमें जितना ज़्यादा अच्छे से रड़ेगा ना उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब यह रड़ चुका है तो अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं गुड़। गुड़ की क्वांटिटी हमने काफ़ी कम ली है, जो बाउल से हमने मिल्क लिया था उससे 1/4 क्वांटिटी लिया है, क्योंकि इस गाजर जो है मीठा भी होता है और दूध और क्रीम डालने से और भी इसमें मिठास बढ़ चुकी है। तो गुड़ की क्वांटिटी मेरे हिसाब से इतनी काफ़ी है। अगर आप थोड़ा और मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, पर इतना गुड़ इसमें सफिशेंट है, इसमें काफ़ी अच्छे से अच्छा मीठापन आ जाएगा, क्योंकि इसमें दूध है इसमें मिल्क है तो क्रीम भी है। और गाजर जनरली हमने इसमें सीजनल गाजर यूज़ किए तो वो भी काफ़ी मीठी होती है, तो उसके वजह से गुड़ की क्वांटिटी इतनी काफ़ी सफिशिएंट है।
पर अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं या आप इससे कम भी यूज़ करेंगे गुड़ तो भी इसमें चलेगा। एक बार इसको अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करके हमें पकाना है। गुड़ जब तक इसमें अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाए तब तक हमको इसको भूनना है। अभी आप देख सकते हैं गुड़ इतने पूरी तरह से इसमें मेल्ट नहीं हुआ है, आपको तो उसमें थोड़े थोड़े डलियाँ दिख रही होंगी। आप चाहें तो गुड़ को अच्छे से ग्रेट भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा गुड़ पीस किस के इसमें डाला है, टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाला है। आप चाहे तो पूरा जो क्रिस्नी से ग्रेट करके भी इसमें डाल सकते हैं, वो थोड़ा और भी जल्दी इसमें मेल्ट हो जाएगा। पर मैंने इस तरह डाल के इसको अच्छे से इसको इसमें मेल्ट होने देना है। एक बार गुड़ पूरा अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे तो हमें थोड़े देर इसको पकाना है। आप देख सकते हैं अब गुड़ इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया, कलर भी काफ़ी अच्छा आया। और अब इसमें हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर। आप चाहे तो विदाउट इलायची पाउडर भी इसे बना सकते हैं क्योंकि इसका टेस्ट ऐसे भी काफ़ी अच्छा लगता है, पर मुझे इलायची पाउडर का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसको विदाउट इलायची पाउडर भी बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे जायफल, ये स्किप भी कर सकते हैं। मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ तो बच्चों के लिए जायफल काफ़ी अच्छा होता है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप विदाउट जायफल के भी इसमें बना सकते हैं, सिर्फ इलायची पाउडर डाल के भी इसको बना सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो ग्रेट किया हुआ हमारा काजू। आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट के इसमें डाल सकते हो। और भी आपको कोई ड्राई फ्रूट इसमें पसंद है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। काफ़ी लोग इसमें किशमिश भी ऐड करते हैं पर बच्चों के हिसाब से बना रहे हो और किशमिश थोड़ी मोटी मोटी तो मैंने ऐड नहीं की। और मुझे वैसे भी किशमिश का टेस्ट इसमें कम पसंद है। जनरली मैं जब भी गाजर का हलवा बनाती हूँ तो मैं सिर्फ इसमें काजू के टुकड़े और इलायची पाउडर और जायफल डाल के ही बनाती हूँ। आप चाहे तो किशमिश भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। अब हमारा गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर टेक्सचर और अच्छा आया है। आप आई होप आपको अच्छा लगे, बना के आप ज़रूर देखिए। इस प्रोसेस में छोटे बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं ये हलवा। आप 8 साल के 6 साल के बच्चों को भी ये आराम से खिला सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है और हेल्दी भी। इसमें हमने जैगरी यूज़ किया है तो आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। और बच्चों के लिए गाजर काफ़ी अच्छी होती है तो ये काफ़ी हेल्दी फूड है उनके लिए, या हम लोग भी अगर डाइट पे तो आपके लिए भी काफ़ी हेल्दी है। आई होप आज की रेसिपी अच्छी लगी है। हमारा गाजर का बन के रेडी हो चुका है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आए। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।